हेलो जी, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी स्कूटी की ब्रेक कैसे टाइट कर सकते हैं आप। बहुत सिंपल सी प्रोसीजर होता है। ये ब्रेक्स बार बार लूज़ हो जाती हैं, जैसे इस गाड़ी की भी थोड़ी लूज़ है। और ओरिजिनल जो आपके कैसे सेटिंग करनी है, मतलब वो सब आपको बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जिसे आप घर पर भी कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। इसके लिए अगर पिछली ब्रेक लूज़ करनी है, टाइट करनी है, तो आप जाएंगे पहले पिछले टायर पर। और इस टायर पे आप देख सकते हैं ये नट लगाए, हर स्कूटी पे ये हुआ, ये नट लगाए। इसे आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लूज़ हो जाएगी ब्रेक। इतना सा प्रोसीजर है, इसे थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा, आगे वाली ब्रेक टाइट हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा गंदी है, तो अगर आपकी भी स्कूटी ऑब्वियसली मे भी गंदी हो तो चाबी यूज़ कर सकते हैं आप। टूल आता है इसका, ये मेरे ख्याल से 14 नंबर का टूल है, 14 नंबर की चाबी से आप इसको घुमाएंगे तो टाइट हो जाएगा। और एक बार चेक करने के बाद ऐसे चेक कर लें कि ये घूम रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर ये नहीं घूम रहा है तो हल्का सा लूज़ कर लें इसे, ठीक है। और सेम प्रोसीजर है फ्रंट पे भी। उप्स, इस गाड़ी में तो डिस्क ब्रेक है, इसको टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर डिस्क ब्रेक नहीं है आपकी गाड़ी में तो आप सेम प्रोसीजर, आगे भी सेम प्रोसीजर होगा, उसको भी घुमाएंगे हल्का सा तो टाइट हो जाएगी ब्रेक। इतना सिंपल सिस्टम है, अब आपको मैकेनिक को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।